Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Ghazal Jawad Channel. क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खुशबाश है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा अपने घर पे अपनी फैमिलीज के साथ। और आपकी बहन ने दो छुट्टियां की हैं, आ गई हूँ मैं वापस अपने स्टेट पे। दो छुट्टियां करने के बाद आज हम वापस आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, क्योंकि आपकी बहन की तबीयत ही ठीक थी तो हमने व्लॉग नहीं बनाया। खैर, आज के व्लॉग का सीन ये है कि हम लोग जा रहे हैं अपनी भाभी को ईदी देने के लिए। जो व्लॉग आप लोगों ने पहले देखा था जिसमें हम लोग ईद की शॉपिंग कर रहे थे, तो आज हमने जाना है ईदी देने के लिए। सारे तैयारों के बैठे हैं कि अब हम लोगों ने ईदी देने जाना है। गजल व्लॉग शुरू कर ले। मैं आप लोगों को ईदी का बास्केट दिखा देती हूँ जो मैंने खुद तैयार किया है, और साथ में फ्रूट बास्केट भी। तो ये है जी हमारी फ्रूट बास्केट, और ये है भाभी की ईदी। ठीक है जी, वो सूट आ गया, ये स्नीक पिक दे रही हूँ मैं आपको। एक ही ये आ गई, जूती, परफ्यूम, चूड़ियाँ, मेहंदी, चॉकलेट्स, सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। टॉप्स भी हैं जो मैंने पसंद करके अम्माओं का वहां पे पड़े हुए थे, वो लेके आइएगा। तो खैर सारा कुछ तैयार है, अभी हम लोग निकलने लगे हैं। हमने कॉल कर दिया उन लोगों को। ये अम्मा मुझे क्या दिखा रही है? बहुत खूबसूरत शादी हो चुकी है, मुझे दूसरी लड़की दिखा रही है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। चले जी, हो गई है बात उनसे, निकले हम लोग। हाँ जी, हाँ जी बेटे, लेट्स गो, निकलते हैं। और तब तक, जब तक मैं निकलती हूँ तब तक, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हुआ तो किस चीज का इंतजार है? क्या करूँ, स्क्रीन से निकल के बाहर आ जाऊँ फिर करोगे? क्या मसला है? उठने के लिए हम बकायदा से वीडियो बनाएंगे। चलो भाई। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। कमेंट करना मत भूला करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट्स इट मींस अ लॉट टू अस। हम लोग पढ़ते हैं, और जितने मुझसे हो सकते हैं उतने तो मैं खैर पढ़ती हूँ। तो कमेंट करके बताया करें वीडियोस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही नहीं लग रही, क्या सीन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ठीक है जी, लेट्स गो, अभी चलते हैं। पंखे चलाने से बहुत जरूरी हो गए, गर्मी बहुत शदीद लगने लगी है, गर्मी हो गई है। खैर चलते हैं, अभी निकलते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे वहां चल के मिलेंगे भाभी के पास। अच्छा तो यार, जब तक हम रास्ते में हैं तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे एक आइडिया ले लूं। जवाद साहब, अगर आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही अभी कि हम लोगों ने ईद का क्या प्लान है ना। हाँ, कि मतलब ईद पे अगर हम कुछ स्पेशल करना चाहें बजाय इसके कि सो सो के ईद और बोरियत वाली ईद गुजर जाए जैसे नॉर्मली सबकी ईद गुजरती है। हम सब जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो आपकी ईद नॉर्मली यही होती है कि आपने सारा दिन सुकून करना है, रेस्ट करना है। और अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब मैं बच्चा था ना तो मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट ईद की क्या होती थी कि मैंने छरों वाली गाल लेनी है। आपकी क्या होती थी? मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं लिस्ट बना के देती थी अपने पापा को, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, उसमें लिपस्टिक्स, बैग और ये वो। मेरी ईद तब होती थी जब पापा वो सारी चीजें ले आते थे, तो दैट वाज माय ईद। मगर अब तो ऑब्वियसली अब तो चीजें डिफरेंट हो गई हैं। आप लोगों से बात करने का मकसद ये है कि मैं ये सोच रही थी कि आप लोग मुझे कुछ आइडियाज दें कि ईद पे ऐसा क्या काम किया जाए कि जिससे थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग माहौल हो जाए। और जो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज थे वो यही थे कि मैं ये सोच रही थी, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, कि मैं ये सोच रही थी कि हम लोग कोई ऑर्फनेज वगैरह जाके बच्चों के साथ ईद जो है वो स्पेंड करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन बच्चों के माँ बाप नहीं है, हमारे पास माँ बाप हैं, अल्लाह पाक उनको हमारे साथ पे सलामत रखे, तो हम चाहते हैं कि हम ये खुशी उनके साथ शेयर करें। तो अगर तो ये आइडिया ठीक है तो वो भी बता दें, अगर कुछ और आप लोगों को समझ आती है कि भाई ये कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, क्या कर रहे हैं, ये कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि हम लोग वो काम कर सकें। ठीक है जी, तो कमेंट में जाकर पहले मुझे बता दें कि भाई क्या आपको आपके आइडियाज में क्या है कि ऐसे कर लेना चाहिए ईद अच्छी गुजरेगी। आ जाओ जी, आ जाओ, अम्मा ने पकड़ लिया बास्केट, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, भाभी की तरह है हमारी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपकी ईदी लेके आए, देख के बताएगी कैसी है? असल में जब भाभी लास्ट में हमारी तरफ आई थी ना तो उन्होंने मुझे क्या कहती है, मैंने नहीं व्लॉग देखा, मुझे फोन आया मेरे फैमिली की तरफ से कि यार तुम्हारी ईदी तो बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने शायद थोड़ा बहुत देख लिया होगा, मगर जो चीजें सेटिंग वगैरह ना सारी वो ये पड़ी हुई, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है अम्मा? हाँ जी, हाँ जी, जरूर ऑनर्स करें ना आप, खोल के दिखाए ना। आने वाली बात उसकी है। हाँ शर्ट मैंने इसलिए दिखानी है कि जब मैंने इसके बाजू लगवाए थे ना तो मैंने कहा होना चाहिए कुछ, तो हाँ
पापा जी भाभी ये लेके आई थी मेरी बायोलॉजिकल मदर, ठीक है। ये मामा की तरफ से है, अपने वाला खोल के दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम मामी, आप आइए ना, हमने रोक दिया था उसी टाइम पे कि मामी आएंगी तो हम खोल के दिखाएंगे। हाँ पहले तो ये मेरा कमाल है मामी, ऐसे मैंने पैकिंग किया अपने हाथ से, ऐसे थोड़ी हो सकता। पहले मैंने कहा थोड़ा मीठा हो जाए। हाँ हाँ ये कुछ मीठा हो जाए, ये लंजी भाभी कुछ मीठा हो जाए। ये हैं जी आपकी चूड़ियाँ, ये देखें। अच्छा जी मैं कह के आई हूं, मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई हुई हैं आजकल, तो मैंने कांच वाली ली थी। उसके अंदर आपका इयररिंग भी है, ये उसके साथ का सूट के साथ का दिखाएं। ये देखें जी ये इयररिंग्स जो मैं लेके आई थी, ठीक है जी। और ये आपकी खुशबू सिरीन, हाँ ये है जी भाभी का सूट। हमने बाजू लगवा दिए, हाँ बाजू नहीं लगे थे तो फिर हमने बाजू उनको कह के तो टेलर से लगवा लिया। ठीक है प्लाजो, अच्छा प्लाजो, ये चेक करें ऐसे, ठीक है। पसंद एक्सप्रेशन से मुझे आप लोगों ने पता चल रहा है, मुझे पता चल रहा है पसंद आ रहा है। बोला गया मैं शुक्र है, मैं क्या ये जूता है जी। अच्छा हाँ ये आपका जूता, हंस रही है नहीं नहीं पसंद आ गया। उधर भी यही कहा था कि जी मेरी बेटी जो है ना अभी कह रही अम्मा अभी हील ना ले, हाँ तो इसलिए मैं ये ले रही हूँ। बहुत अच्छा पसंद आई आंटी आपको भी, चलें गुड। कभी कभी पहननी तो पड़ती है, ये जैनब के लिए जी खुद ही लेने की जो लेना है जे मार्का की। जैनब आके लो बेटा, आप बैठी बच्ची को मैं क्या, मेरी बेटी नहीं हो, ले मेरा पुत्र। थैंक यू सो मच। राइट हैंड से पकड़ते हैं, राइट हैंड से पकड़ो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई मसला नहीं आंटी। जैनब मेरे और मेरी भाभी की मामू की बेटी है, छोटे मामू की बेटी, ये वाले जो मामू है ना ये वाले ये इनकी बेटी है और ये इनकी मम्मा है। जिसपे तुंतना होता है ना, हाँ वो छोटी मेरी है। जिसपे शक्ल पे वो लगा होता है ना, फेस पे वो लगा होता है क्या तुंतुना जिसको हम कह रहे हैं आजकल, इमोजी लगा होता है, वो हमारी भाभी है। ये नहीं है, ये मेरी बहन है छोटी। भाभी जी पसंद आ गया, हेलो भाभी, हेलो भाभी पसंद आ गया, साथ लगा के दिखाएं जरा, लेंथ पूरी है, बेहतरीन। ये हमने देख लिया था पहली नजर में, मैंने कहा था अम्मा ये अच्छा लग रहा है, मगर हाँ अच्छा लग रहा है। फिर हमने फिर भी इन लोगों को फिरवाया थोड़ा और कि शायद कुछ और अच्छा मिल जाए, फिर हमने कहा नहीं वही अच्छा, वापस चल के वही ले लेते हैं। चले गुड, थैंक यू सो मच, हमें अच्छा लगा कि आपको हमारी लाई हुई चीजें पसंद आई। लेके आना काम नहीं होता, अगले बंदे को पसंद आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ अल्लाह अल्लाह बात खैर रखे, और अगला साल आपका अपने घर में आए और फिर अपने शोहर के साथ जाके खुद लेके आए, हमारी सर दर्दी खत्म हो जाएगी, फिर आप खुद लेके आएंगे, खुद ही ले आए, सही बात है। भाभी आपको आपकी चीजें पसंद आई हैं? हाँ जी। ऊंचा बोले ना थोड़ा सा, पसंद आई है, थोड़ा जोश से बताइए पसंद आई है कि नहीं आई है। कितनी पसंद आई है ऐसे करके, बहुत ये चीज। अच्छा जी अब हमने जाना है, मैंने जाना है अपनी मादर ग्रामी की तरफ जो कि मेरी बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है। तो हम लोग निकलेंगे, आप लोग अभी थोड़ी देर तक निकलेंगे। हाँ जी हाँ जी। आपने डॉक्टर के पास जाना? नहीं कितने इधर आने से डॉक्टर की छुट्टी, छुट्टी कर लिया आप लोगों ने आज, वेरी नाइस। कोई आम बंदा थोड़ी आया है, हाँ भाईजन इस टाइम जहाज बने नहीं, सही बात है। मामू ना दो दफा मम्मा बात अम्मा बात बता रही है, मामू कर रहे हैं ऐसे ऐसे है मामू। और आप ये देखें हमें इन्होंने मतलब इस कि इनको पता ना चले ऐनक लगा लेते हैं, फिर एंज हो जाए। खैर हम लोग निकल दें जी, थैंक यू सो मच आप लोगों ने। अच्छा मैंने दिखाया नहीं, भाभी ने मेरे लिए चाय बनाई थी, ठीक है। मैं क्या मैं बता दें फिर ना कहना कि क्या मतलब, ठीक है लेट्स गो चलें जी हम लोग निकलते हैं। ओके अम्मा बहुत सलाम देना इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी जी जरूर इंशाल्लाह, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ आंटी। नहीं नहीं कैसी बातें करें, अल्लाह हाफिज़ मामू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बाबा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ भाभी। तो है ना मिंसा उसको कहना फरहान मैंने तुम्हें
बहुत सारा चुमिया भी है, वो बड़ी तेज है, उसको पता है एक मेरा बिडर जो है ना वो उधर भी है, वो फोन करके कहेगी आ जाओ, मैं कहूंगी मनसा मैं नहीं आ सकती, तो आगे से कहेगी मेरी परम मम्मा से बात कराओ, परम मम्मा कहेगी परम मम्मा गजल को लेके आ जाओ, जिला फेस। A few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा करम। मैं सुन रही थी, इन लोगों को नहीं पता कि मैं आ रही। सलाम अलैकुम। जानते नहीं ना तेरी, सारा प्रोग्राम खत्म हो गया ना, तू किसी आ गए। इन लोगों में से किसी को भी नहीं पता कि मैं आ रही। आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप लोगों को पता था कि मैं आ रही हूँ। थक गई? नहीं। माँ शुक्र है, जाए मेरी जान का। तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। माँ सबके जाए क्या हो? सारे थके पड़े लग रहे हैं की तरह। काम से गई बाद में। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके। ये मेरी बेटी की है जी, मेरी बेटी की है, खोल के दिखाऊं? खोल के दिखाऊं? तबीयत ठीक है मामा? हाँ, दवा का। पक्की बात है? दाढ़ ठीक है आपकी? अल्लाह पाक शायद दे मेरी जान को। वो सारे बाउंसर्स के साथ जो थे। अच्छा चलेगा, रिजवे आता तो फिर उनसे मिलता। 2000 years later. चाली कहते सिर्फ पानी पिया हुआ मैंने, मौला अमीर की कसम सिर्फ पानी। अब लेग पीस खा रहा हूँ, दूसरा एक खा के आपने रख दिया ऑलरेडी। क्या हाल है? ठीक हो? रात के सवा दो। मैं व्लॉग बना रही थी, आप कोई 6 घंटे बाद वापस आए हो घर पे, मैंने व्लॉग एंड करना था। मैं दसा, मैं कहते नहीं आप रहने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अल्लाह पाक आपकी दी हुई न्याज कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता करे कि अगले साल आप इससे ज्यादा बढ़ के और हम भी इससे ज्यादा बढ़ के इंशाल्लाह तौफीक दे अल्लाह पाक हमें। और बाकी बस करो, बट होने का सबूत दे रहे हो, कोई जन्नात का भी हिस्सा छोड़ते हैं, हड्डी भी खानी हूँ नाल। बेटा मैं कह रहा हूँ मैंने इफ्तारी नहीं की हुई, कैसी गल कर रही है, 7 बजे सिर्फ पानी पीता और हम लग पीछ खा रहे हैं। अच्छा, मेरा मीटअप हो गया। ये सारा अभी पड़ा हुआ है जो कि हम जाके बांट के आएंगे। बांट के आएंगे, ये बांटना ही था। और मेरी फैमिली ही ऐसी है, वो बैठे ही नहीं। मैं कहा यार भाई खाना खा लो, कहता नहीं नहीं खाना नहीं खाना, तू थल्ले आ। तू थल्ले आ, तू थल्ले आ। और को पूछ क्या बने? तोबा मीठी। जूती दिखाओ, अपनी जूती दिखाओ बाबा। मैं ये इधर आके दिखाओ, इधर आके। इस तरह की ब्लू जूती पहन के गया था, बड़ी बेहतरीन थी ना ये। नहीं, जो पहन के आए हो वो दिखाओ। वो भी मेरी थी। ये जूता ऐसे पहन के आए? वापसी में ऐसे आए। और है भी मम्मा उल्टा, ये देखो जी, एक ही पैर का जूता है दोनों। बड़ी कोशिश की है कि मैं भी किसी की उठा लूं, मौका ही नहीं मिला। खाना बांटने के लिए गए, जब कहा कि बैठ जाएं खाना खा लें, तो हमने कभी किया तुम्हें खाना बांटने के लिए गए? किसी ने कहा जी खाना तकसीम कर दो, वहां से दो डब्बे लेकर आया लेडीज साइड के ऊपर ना, और डब्बे पड़े हैं, तो ऐसी लेडीज पड़ गई। मुझे पता है किसी ने बोला कि जी भी जरा जाके वहां पे जाए। मैं बड़ा चौधरी बंदी, पहले माइक भी बोलता रहा, किसी ने सुना? मैंने कहा जी मैं जाके समझाता हूँ। मैं पहुंचा ही हूँ, उन्होंने मुझे लेके उठा के पीछे। उसके बाद भी मैं गया, मैं कह नहीं आई नहीं। जब तूने कहा कि खाना खा लो फिर चलो जा रहे हैं, मैंने कहा खाना खा लो, कहते नहीं खाने संग नहीं खाना चाहिए, अब उनको भेज दे। मैं कहा जी आ रहे हैं आ रहे हैं, ऊपर से ये लेट फोन करूं 10 मिनट में आ रहे। मुझे आवाम ने पूरा घेरे में लिया, जब ये आए ना ऊपर, मैं रजब आ गया, और रजब आ गया, जाओ उधर चले जाओ, और रजब आ गया, जाओ उधर चले। मेरी वो जो लास्ट में मोहरमो में गया था, मैंने बोला मैं सांस लैन दो। उनको बताना था मेरा सांस बंद हो जाता है, मुझे मसला है सांस का। भाई वो लड़के काफी अच्छे थे, उन्होंने फिर पूरा यूं दायरा बनाया, उन्होंने मुझे सांस उंधलवाया।
हैदर भाई बहुत चुप बैठे हैं आज, बहुत शदीद चुप बैठे हैं। हम जहाँ से होके आ रहे हैं ये तो खैर मतलब इसकी तो गवाही भी नहीं डली, जहाँ से होके आ रहे हैं हमारा चुप रहना ही बनता है। हाँ मैं वही देख रही हूँ कि मैंने हैदर भाई को हमेशा चुप ही देखा है, वैसे तो बोलते ही नहीं है वो इतना खास, मगर कभी ऐसे नहीं देखा कि संजीदगी में बैठे हुए जो करके आए हैं ना। हाँ वाला हाथ सुझाओ ना, दिखाओ दिखाओ वो देखो वो सनी प्लस लगा हुआ है, वो संजीदगी में किसी वजह से बैठे हुए हैं। रात दो बजे है ना, चलें जी अल्लाह पाक इन लोगों की तौफीकात में इजाफा करे, जो इन लोगों ने दिया है उसको कबूल मंजूर फरमाए, क्योंकि बंदा पैसे लगा लेता है अल्लाह की जात में, आपने बंदों को नहीं खिलाया, आपने अल्लाह ताला के लिए खिलाया, तो अल्लाह पाक उसको कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए कि इस दफा अगर इतना सा दिया तो अगली दफा इतना सारा हाथ खोल के दे सकें। आमीन सुम्मा आमीन। हासदीन को सब्र। हां जी बिल्कुल ऐसे ही है, हासदीन को अल्लाह पाक सब्र दे। थाने जरा रगड़ा रहे ना, सब्र दे। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग को करते हैं यहां पर एंड। इसीलिए कहती होती हूं जो हमारे पास आजादारी है मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की, हमारे पर एक बहुत बड़ा एहसान है, उसको रियाकारी ना करो, उसको आजादारी रहने दो ताकि तुम्हारी आखिर बने दुनिया में बने। बिल्कुल। ये लोगों ने, इन लोगों ने ना रियाकारी कर दिया उसको, उसको आजादारी नहीं रहने दिया, इसको ऐसे ना सारे काम धर्म भरम हो रहे हैं लोगों के, ऐसे ऐसे कोई अमल बंदे का उस वक्त तक बुरी जब तक इंसान की नीयत में खोट आता ना, फिर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फिर कोई सही है फिर कोई सोनी है कोई शी है। मैं सीधा कहती हूँ अपने आप को इतना झुका लो खुदा की कसम कि तुम लोगों को बताना ना पड़े कि मैं शी हूँ। सही बात है बिल्कुल ऐसी है, सही कह रही है। मैं भी यही कह रही थी कि आप जब करते हैं तो ये दिमाग में रखा करें कि आप लोगों के नहीं, नहीं अपने आप के नहीं, आप अल्लाह पाक के लिए करें। खैर अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए जी, अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे और ये हासदीन को भी हिदायत दे दे। आमीन सुम आमीन। व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, सिर्फ रजबी से मिलने के लिए मैंने व्लॉग अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ था, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप भी करें नहीं वैसे वाला।